अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? चार्ज दीजिए। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तबीयत अच्छी है आपकी? तो कैसे जिंदगी बरत रही है आपको? बस बड़ी, अगर अल्लाह ताला के डर से कहूँ तो शुक्र है, अगर आपको बताऊँ तो बहुत अजियत और बहुत कर्म में। एक दिन फाकों से गुजरते हैं, किराया देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मम्मी पापा भी नहीं है, बेटा था वो भी नहीं। और कोई जरिया मौत बेटा नहीं था, नहीं कहना से आपने, बेटा अब से है इंशाल्लाह। ऐसे बस अकेले तनाव क्यों करता रहता है? हाँ मैं तनहा नहीं हूँ, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मैं कभी ऐसा नहीं कहती। क्या बात, क्या बात। कभी कोई मुझे कहना तनहा है, मुझे गुस्सा आता है, मैं तनहा नहीं, मेरा अल्लाह, मेरा ईमान, मेरी तंदुरुस्ती मेरे साथ। बेटे को भी अच्छे स्कूलों में पढ़ा, बेकन हौसल और ग्रामीण जैसे स्कूलों में, तो फिर जब उनकी डेथ होगी फिर गोल्ड बेचा, उस वक्त गोल्ड भी सस्ता था, बेच दी गई, खर्चा करती गई। लेकिन जब बेटा थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैंने कहा कोई काम कर लो, उसने कहा मामा नहीं, मैं आधी आप खा लेना आधी मुझे दे देना, अपने बाहर नहीं निकलना। फिर उसने मैटर के बाद मोबाइलों का काम शुरू कर लिया हार रोड पे। बेटे को 3 साल हो गए हैं, वो उसको गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, 15-16 दिन सर्वस हॉस्पिटल रहा था। वो 4 जनवरी को हॉस्पिटल दाखिल हुआ और 19 जनवरी को तजद के वक्त मेरे सामने उसके सामने साबर हो गए। मैं लिखती रह गई खाली हाथों की, मेरी भाषा ही खत्म हो गई, मेरा सब कुछ लुट गया। मेरा वो मेरा फकीर था, मेरा मान था, मेरी ताकत थी उसके था। मैं कुछ भी नहीं। जो बच्चा ये कहता था कि बस आपने बाहर नहीं निकलना, जो भी होगा आधा आधा खा लेंगे, एक दफा अल्लाह ने वो आपको इस पे डाला। एक दफा मैं डोर टू डोर वाली सरफ जो वो देती है ना, हार्पिक वगैरह, मैं उनके साथ चली, उसने पता नहीं मैं कैसे मेरा फेस देख लिया, कहता मम्मा आप कहाँ गई थी? मैंने कहा मिठन में कहीं भी नहीं गई थी। कहता मम्मा आज के बाद आधी रोटी मैं खा लूंगा, आधी आप, लेकिन आपने बाहर नहीं निकलना। ये 2 गलियां छोड़ के मैं तो रहती थी रन पे। फाकू में छोड़ के चला गया? हाँ जी, वो फाकू में लगता है जैसे लेंस लगाया हुए मशीन। हाँ जी ऐसे ही, लेकिन असल आंखों का रंग था। जी जी ऐसे ग्रीन था उसका। अल्लाह बस अपने पास अच्छे दर्जों में जगह दे। पर मेरे पास 2 नंबर हैं, एक वर्द का एक जायद का। वो सुबह सबसे पहले मैं 1 नंबर से दूसरे नंबर में मिस कॉल मारती हूँ, उसका नाम लिखा होता है, कहती हूँ बेटे की कॉल आई, जब मैं सोती हूँ फिर उस नंबर से उस नंबर पे मैं मिस कॉल मारती हूँ कि ये लास्ट कॉल मेरे बेटे की आई है। मैं इतना, वो भी मुझे बहुत प्यार करता था, मैं फ्रिज भेज के बेटे की कबर पक्की करा दी थी और 2 बस्तों में मेरे पंखे लगा दिए थे। मेरे कहा था उसका घर है, उसकी चीज है, मेरे अल्लाह ताला के आगे बड़े मिलते हैं। अल्लाह ताला तो इसको लूला लगना कर देता, ब्लाइंड कर देता, लेकिन सामने लेकिन आ जाता, लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह ताला पता नहीं इसमें तेरी रजा है, जिसमें तू राजी मालिक। आप समझे कि आपका अल्लाह ने एक और बेटा आपको दिया था जी। और वो बेटा अब आपके सामने बैठा है जी। तो कोई ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि इससे मेरी जिंदगी थोड़ी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, कुछ ऐसा छोटा सा मकान अगर मिल जाए, ये किराए वाला जो हर महीने की अजियत है। हाँ जी, बाकी तो चलो एक व्हील की तरह चलता रहता है, बिजली का बिल आ गया, गैस का आ गया, पानी का आ गया।